अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स थर्ड का, हमारे पास आज ऑनलाइन लेक्चर फोर है। और ऑनलाइन लेक्चर फोर के अंदर हमने जब भी स्टार्ट लिया हुआ ऑनलाइन लेक्चर में, वो हमने एक्सीटोन के बारे में स्टार्ट लिया। तो दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सीटोन क्या होता है। हमने कहा था कि हमारे पास दो लेवल हैं, एक ग्राउंड लेवल है एटम का और एक हमारे पास एक्साइटेड लेवल का एटम का। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी ग्राउंड लेवल के अंदर मौजूद है और हम बाय से एक फोटोन लेते हैं जिसकी एनर्जी हमारे पास एच का ओमेगा है। जैसे हम वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो हमारा वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से रिमूव होता है, वो अपने बैग पे एक, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज अपने मूव करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बैग में एक अपना पॉजिटिव आयन हमारे पास रह जाता है, पॉजिटिव आयन को छोड़ जाता है और उसी पॉजिटिव आयन को हम लोग कह रहे होते हैं होल। तो अब दो चीज़ें हो गई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और होल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमारा कभी ऐसे केस बन जाए, ऐसे सरकमस्टांस बन जाए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और होल की वेलोसिटी सेम हो जाए, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन और होल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाते हैं। क्योंकि हमने अभी कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो होल होता है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस हों तो उनके दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आती है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये अपने आप को एक बाउंस सिस्टम बना लेते हैं और उस बाउंस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सीटोन। तो इस बाउंड सिस्टम जिसे हम एक्सीटोन कहते हैं, बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास होल। फिर हमने कहा था इस हमारे पास जो एक्सीटोन है इसकी टाइप्स होती हैं, हमारे पास दो टाइप थी। एक हमारे पास फर्स्ट टाइप जिसे हम कहते हैं मोट एंड विनर एक्सीटोन, जिसे वीकली बाउंड एक्सीटोन भी कहा जाता है। और सेकेंड हमारे पास टाइप थी फ्रेंकल एक्सीटोन, जिसे हमने कहा था ये टाइटली बाउंड एक्सीटोन भी कहलाता है। तो अभी हमने जो स्टॉपिक, जो कल भी हमारा लेक्चर था, वो हमारे पास मोट एंड विनर एक्सीटोन के बारे में था। तो मोट एंड विनर एक्सीटोन को भी हम दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने ये भी कहा है कि हमारे पास वीकली बाउंड हमारे पास एक्सीटोन है, तो वो क्या है वो कल भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि वो चीज़ें हमारे पास रिपीट हो जाए। तो हमारे पास मोट एंड विनर एक्सीटोन बेसिकली हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। मेन उनके ऊपर हमारे पास जो फील्ड का इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास इनके अंदर, हमारे पास एक्सीटोन के पास प्रोटॉन भी है और हमारे पास होल भी हैं, तो हमारे पास इनका सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है इनके अंदर जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जो एनर्जी गैप जो होता है वो हमारे पास कम होता है। तो अब हम एक्सटर्नली जैसे बाय से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये फ़ौरन उस एनर्जी को गेन करके अपनी स्टेट, एक अपनी जो पहली वाली स्टेट है उसे नई स्टेट में मूव कर जाते हैं। तो जो एक्सीटोन है जो कि बाउंड स्टेट में है, मीन उसके पास इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद है, जैसे हम इसे एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो आसानी से क्या होता है कि वो जो बाउंड स्टेट है उसमें चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या आता है कि वही जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि हमारे पास एक वीकली बाउंड एक्सीटोन कहलाता है। कि हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद है, रीज़न दोबारा बता रही हूँ, सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद है, सेमीकंडक्टर का गैप कम होता है, मेन हम थोड़ी सी बेशक एनर्जी सप्लाई करें तो हमारा काम हो जाता है और हमारा जो एक्सीटोन है दोबारा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमारे पास वीकली बाउंड एक्सीटोन होता है, स्ट्रॉन्गली बाउंड एक्सीटोन नहीं होता। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक, ये पहले तो हमने रिपीट किया ताकि हमें थोड़ी चीज़ें, अगर नहीं हमें पिछले कंसेप्ट में याद नहीं थी या हमारे पास अभी इतनी तैयार नहीं थी, ताकि हमारे वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो जाए। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, कि हमारे पास मोट विनर एक्सीटोन के पास बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उसका हमारे पास रिलेशन क्या है। अब हमने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक्सीटोन के पास दो चीज़ें, हम लोग कह रहे हैं कि प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है।
जैसे हम बायसन या एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो एसीटोन जो होते हैं अपने दोनों कंपोनेंट्स में मीन इलेक्ट्रॉन और होल जो कि चार्ज कैरियर हैं, कि चार्ज कैरियर क्यों हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारे पास होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये हम कहते हैं कि हमारे ये चार्ज कैरियर हैं, इनके अंदर ब्रेक हो जाते हैं। इनके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल दो कंबाइन नहीं होते बल्कि इनके दरमियान हमारे पास एक डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है वो किसी लैटिस की स्पेसिंग से ज़्यादा मौजूद होता है। अब हमारे पास क्या है कि हमने ये भी बात की है कि एक्सीटोन जो है मोट एंड विनर एक्सीटोन उनका जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और ये डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है ये वैक्यूम के में अगर हमारे पास वैक्यूम है जैसे है तो उसमें और वैल्यू होती है और उससे हम डोनेट कर होते हैं एप्साइलन नॉट के साथ, और मीडियम के हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती हैं और वो हमारे पास डोनेट हो रही है एप्साइलन के साथ। तो अगर हम लोग बोर मॉडल को लें, बोर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टडी करें तो उसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी होती है ई एन होता है आर एच, ये एच वैसे सबस्क्रिप्ट में होते हैं, ओवर एन का स्क्वायर, आर एच होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। ये बेसिकली आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ते हो, इवन के सेकंड ईयर में पढ़ते हैं और फिर मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ के आते हैं जब हम लोग बोर के मॉडल पढ़ते हैं और हम लोग मुख्तलिफ इसके सीरीज़ के बारे में पढ़ होते हैं, बाल्मर सीरीज़ और वो वाली हमारे पास लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वहाँ हम लोग क्या करते हैं बोर का एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं और उस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं, वहाँ से ये एनर्जी का रिलेशन हमने लिया हुआ है, वो एनर्जी रिलेशन है आर एच ओवर एन का स्क्वायर। अब इसके अंदर जो आर एच होता है ये हमारे पास होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो हमारे पास जो एनर्जी अभी ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैसी एनर्जी है जैसे बोर के मॉडल में उसके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे पास है ई एन इक्वल टू आर एच ओवर एन का स्क्वायर, और आर एच हमने कहा कि हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब हम अपने एक्सीटोन के उसी के कंपैरिजन से अपने एक्सीटोन की एनर्जी बताना चाहते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन की मदद से जो एक्सीटोन की एनर्जी है वो हम कहते हैं वो हमारे पास होता है माइनस म्यू ओवर एम नॉट, इसके साथ वन ओवर एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, और उसी के साथ हमारे पास है आर एच ओवर एन का स्क्वायर। अब म्यू जो होता है वो हमारे पास होता है रिड्यूस्ड मैस, रिड्यूस्ड मैस दो पार्टिकल के दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल के दरमियान आता है, लेकिन छोटे लेवल पे हम लोग टू पार्टिकल्स ही ले रहे होते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल, तो रिड्यूस्ड मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल के दरमियान है और वो है एम ई एम होल ओवर एम ई और एम एच। साथ में हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास म्यू नॉट जो है मैस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन हमारे पास जो है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है और एन स्क्वायर है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर वन में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो आर एच ओवर एन स्क्वायर है इसे हम ई एन कह सकते हैं हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ों को अभी तो कम्बाइन किया, माइनस म्यू आर एच ओवर एम नॉट एप्सिलॉन आर की पावर टू एन का स्क्वायर, और इसके अंदर हमने बता दिया कि जो म्यू है वो रिड्यूस मैस है और एप्सिलॉन आर जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है जब भी रिलेटिव का वर्ड यूज़ हो जाए इसका मतलब होता है वो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे होता है कि हमारे पास परमिटिविटी मीडियम ओवर परमिटिविटी वैक्यू कि कितना इफेक्ट आया जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखा है तो उसकी वजह से हमारे पास उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कितना हमारे पास इफेक्ट आ गया, कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं या नहीं हो रहे, तो वो हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमारे पास ये जो वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू बात की, एप्सिलॉन आर की वैल्यू बात की, तो हम एक्सीटोन में क्या कहते हैं बाकी एन स्क्वायर के अलावा बाकी जितनी भी हमारे पास के अंदर टर्म्स आ रही थी उन्हें हमें आर एक्स कह दिया। आर एक्स क्या होता है उनमें वैल्यू म्यू आर एच और एम ने एप्सिलॉन आर का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो आर एक्स का है इसे हमने कहा है कि यहाँ पर रेडबर्ग एक्सीटोन का कॉन्स्टेंट है, वहाँ पर जो था वो हाइड्रोजन का था जो बोर मॉडल में हमारे पास रेडबर्ग कॉन्स्टेंट आ रहा है, और यहाँ पर आर एक्स जो है ये हमने रेडबर्ग कॉन्स्टेंट कह दिया एक्सीटोन का। अगला हम लोग रिलेशन चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सीटोन के और रेडबर्ग कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो होता है एम नॉट ई की पावर फोर ओवर एट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच कट का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आर जो आर ये आर एच निकाले और आर एक्स जो इससे पहले हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, आर एक्स के अंदर ये जो आर एच आर है सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं ये हमारे पास ये सेकेंड नंबर पे ये आर एच आर है इसकी जगह पे हम आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह जैसे ही हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी ये आर एच की वैल्यू वहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी और हमारे पास एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये
एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट दोनों पे हमारे पास स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्हें एक स्क्वायर के अंदर करके तो एप्साइलन नॉट और एप्साइलन आर की जगह हम लोग एप्साइलन जस्ट एप्साइलन को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ये हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली को छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे पास रेडबर्ग कॉन्स्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और रेडबर्ग कॉन्स्टेंट ऑफ द एक्सीटोन के दरमियान हमारा क्या रिलेशन है या कैसे वो मॉडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हमने रेडियस फाइंड करना है मोट विना एक्सीटोन का। अब रेडियस में हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे भी मॉडर्न फिजिक का कंसेप्ट यूज़ हो जाता है। मॉडर्न फिजिक में वो कहते हैं कि आके बाद जो एंगुलर ये सेकंड उसका पास्टुलेट होता है बोर मॉडल का कि आके बाद जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि एम वी आर है, तो यहाँ पे एम जो है वो रिड्यूस मैस है, एम वी जो आर है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है एन एच कट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम सेकेंड पास्टुलेट्स आते हैं। दूसरा हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में, और उसको इतनी हमारे पास उसके पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंटीपीटल फोर्स है, और वो सेंटीपीटल फोर्स उसके इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल होती है। तो सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम की जगह रिड्यूस मैस हो गया, वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन और साथ में आर का स्क्वायर, आर आर के साथ हमारे पास कैंसिल होकर आर की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब रेडियस के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, तो जो पहले हमने इक्वेशन ये लिखी इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारे पास हो जाएंगी, जो इधर से हम वेलोसिटी की वैल्यू को निकालते हैं और रेडियस के अंदर इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आर इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा। तो पहले दो चीज़ें यूज किए हैं, एंगुलर मोमेंटम के लॉ को यूज किया है सेंटीपीटर और इलेक्ट्रिक फोर्स को करके आर निकाला है, आर के अंदर वी आ रहा था जो अबव इक्वेशन से निकाल के इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये जो कांस्टेंट बन रहे होते हैं हमारे पास फोर पाई एन एच कट का स्क्वायर और ई स्क्वायर म्यू, इस सारे कांस्टेंट को हम कह देते हैं ई बी, ठीक है। हमारे पास ई बी हमारे पास क्या है, सॉरी ई बी हमारे पास होता है रेडियस ऑफ हमारे पास बोर का, क्योंकि हमने अभी बात की थी जब हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं तो उससे रेडियस फाइंड करते हैं, वो कहते हैं इसका रेडियस होता है वो होता है फोर पाई एप्सिलॉन एट कट का स्क्वायर एम ई ई का स्क्वायर, जबकि हमारे केस में भी आया है म्यू पाई एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच कट का स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर म्यू। इसी इक्वेशन को जो आर वाली इक्वेशन है उसे एम नॉट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं, और फिर हम इसे ऐसे अरेंज करते हैं कि जो पहला हमारे पास रेडियस जो हमारे पास ये वाला जो रेडियस होता है हमारे पास जो बोर का आता है ए बी वो वाली वैल्यू अलग, बाकी जो कांस्टेंट है वो अलग, तो वहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस मॉडिफाई हो जाता है। जैसे ही रेडियस हमारे पास मॉडिफाई हो जाता है तो उस रेडियस में एन स्क्वायर के अलावा बाकी सारी टर्म को ए एक्स कह देते हैं, और ये जो ए एक्स है ये बेसिकली हमारे पास रेडियस है एक्सीटोन का। रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने दो चीज़ दोबारा देख लेते हैं, एक तो हमने क्या किया कि एंगुलर मोमेंटम को इक्वेशन लिखी, सेकंड सेंट्रीपीटर फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल करके वहाँ से आर निकाला, इसी आर के अंदर हमने वी की वैल्यू को अबव इक्वेशन में वी की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके मॉडिफाई कर ली, तो यहाँ से हमारा रेडियस हमारे केस में निकल आया। अब बोर के केस में क्या होता है, रेडियस जो होता है वो ए बी जो होता है वो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट का स्क्वायर ओवर एम ई ई स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है कि अपना रेडियस जो है उसके मुताबिक बनाना है, तो हम एप्सिलॉन एम नॉट एप्सिलॉन आर नॉट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो उसकी फॉर्म है उन चीज़ों को अलग कर लेते हैं और बाकी जो टर्म रहते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। उनके अंदर क्या हुआ, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कह दिया, इसमें एन स्क्वायर के अलावा बाकी जितनी भी टर्म इन सारों को कांस्टेंट कह देते हैं, और इस सारे कांस्टेंट को जो ए एक्स है ये हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ हमारे पास एक्सीटोन। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने दो चीज़ें फाइंड की है, एक हमने एनर्जी फाइंड की एक्सीटोन की और एक हमने रेडियस फाइंड किया एक्सीटोन का। अब इसके अंदर हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेप है ये मैं आपको मतलब नोट्स भेज दूँगी, तो वहाँ पर मज़ीद आप लोगों ने इसे सॉल्व करके चेक कीजिएगा कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, कहीं भी प्रॉब्लम आती है क्लास तो आप लोगों ने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।